ओके सो हाय गाइस, वत्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो है गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज, इस वीडियो में जो है गाइज मेरी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि गाइज मैंने कुछ PNGs खुद बनाए एंड गाइज कुछ मैंने काफ़ी मुश्किल से ढूंढे हैं। तो गाइज प्लीज़ यार वीडियो को उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। एंड गाइज जो वीडियो है जो है पूरा कंप्लीट देख लेना, बाकी यार जो भी है मतलब कि आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल स्टेप में समझाने की कोशिश करूँ। भाई गाइज, अगर अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइज, अगर आप लोग वीडियो के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन अगर आप मेरे से करना चाहते हैं, फिर अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल चाहिए हो तो आप मेरे को यार डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना गाइज, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी चलिए गाइज, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से ही कटआउट कर रखा है, तो गाइज जिसको कटआउट करना नहीं आता है गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2-3 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एंड गाइज आप लोग चाहो तो उन वीडियो को देख के आप सीख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना गाइज, आपको यहाँ पर मतलब कि दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से भी सीख लेना। भाई गाइज अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज आपको जो है जब आप मॉडल को यहाँ पर ऐड करोगे तो गाइज आपको जो साइज़ है कुछ इस टाइप से इतना रख लेना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप लोगों को गाइस यहाँ पे साइज़ को इतना कंफर्म रखने के बाद आपको यहाँ पे अभी डन नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, आपको जो साइड में प्लस दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आपको ये फीचरिस्टिक ग्लासेस, ठीक है, इनको ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रखना है आपको अपने फेस के पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड गाइस अभी मतलब कि कुछ भाइयों को ऐसा लग रहा होगा गाइस कि इसका कलर जो है पिंक है बट हमें तो ब्लू चाहिए, तो गाइस उसका भी सोल्यूशन है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहना ध्यान से। तो अभी क्या करना है, आपको गाइस जाना है इरेजर टूल में। एंड गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस अपनी फोटो को जूम करना है, एंड गाइस कुछ स्टेप्स जो आगे का है ये वाला आपको सिंपली यहाँ यहाँ से ऐसे इरेज कर देना है, ठीक है, बस आपको इस तरीके से इरेज करना है यहाँ पे। एंड आपको दूसरी साइड में भी कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, मैं गाइस इसको यहाँ पे पहले फटाफट ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस फोटो में जो अभी कुछ लाइन लाइन सी आ रही है हमारी फोटोज़ में, तो उसको गैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको जाना है ऐसे गाइस सिंपली आपको जो एडजस्ट में, एंड आपको लेना है कॉन्ट्रास्ट, एंड कॉन्ट्रास्ट को जो ऊपर की तरफ बढ़ा देना है तो गाइस वो रिमूव हो जाएगा। एंड गाइस अगर तब भी ना हो तो आपको फिर एक ही काम करना है, आपको जाना है ऐसे इरेजर टूल में, एंड आपको सिंपली यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट करना है, एंड जो ऊपर जो लाइन दिख रही है गाइस आपको सिंपली इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड ऐसा ऐड करना है आप सभी को गाइज एक PNG, ठीक है, जिसमें मतलब कि गाइज ग्लेशियर एंड जो पावर स्पीड है फायरिंग स्पीड सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐड करना है, इसको फुल स्क्रीन करना है, एंड ये ऑटोमेटिकली जो आपकी फोटो में इस तरीके से ऐड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको यहाँ पे दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइज ऐड फोटो में जाने के बाद आपको जो गाइज ग्लेशियर M4 है गाइज उसको आपको PNG लेना है। एंड गाइज आप में से कौन कौन भाई पबजी खेलता है गाइज मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइज आपको जो है इस तरीके से आपको PNG लगाना है वाला ग्लेशियर का, ग्लेशियर जो M4 की आपको लगाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको सिंपली जो है आपको यहाँ पे इसको आपको ऊपर की तरफ ले आना है, तो हम इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं। एंड इसके बाद आपको क्या है, अब मैं बताता हूँ गाइज कि आपको जो है मतलब कि जो आपके गॉगल्स हैं जो फीचरिस्टिक, आपको उसको कलर कैसे चेंज करना है। आपको जाना है गाइज एडजस्टमेंट, जाना आपको ह्यू में, एंड इसको आपको गाइज यहाँ पे माइनस प्लस कर लेना है। एंड आपको जो भी कलर आपको यहाँ पे बेस्ट लगे आपको वो रख लेना है, तो गाइज यहाँ पे आपको ब्लू कलर रख के बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इतना परफेक्ट है, एंड जो भी हमें जो भी बैक साइड में किया हम इसको अप साइड में कर लेते हैं, एंड हमें इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम अपनी इस फोटो को यहाँ पे आप हम चाहें तो आप इस बिल्कुल डन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको डन कर लेते हैं। एंड आपको फिर क्या करना है, आपको जाना गाइस यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक स्मोक का PNG, तो हम इसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे कर देना है स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड इसको नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से ऐसे लगा देना है। तो गाइस यहाँ पे कन्फर्म एकदम परफेक्ट है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा साइज और इंक्रीज़ कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं, एंड इतना यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको हम सिंपली कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको इसमें करना है कलर करेक्शन, जो कि हम करेंगे लाइट रूम ऐप में। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस हमने तो फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो आपको क्या करेंगे, आपको करना है आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, एंड जो इसका कॉन्ट्रास्ट है गाइस आपको उसको इंक्रीज़ करना है, एंड जो गाइस हाईलाइट है इसको यहाँ पे कम करना है। फिर जो गाइस शेड वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे इसको भी इंक्रीज़ करना है, एंड जो गाइस यहाँ पे व्हाइट है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम कर दे रहे हैं। फिर जो ब्लैक है आपको इसको भी कम करना है, एंड जाना आपको यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में।
फिर गाइस आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, यहाँ पे फोटो का टेम्परेचर इसको कम करना ताकि फोटो में जब ब्लू टोन बनी रहे। फिर आपको मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन आपको माइनस करना है, जो ल्यूमिनस आपको उसको बढ़ा देना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है येलो कलर में, आपको इसका यहाँ पे ह्यू चेंज करना है एंड इसका सेचुरेशन प्लस करना है। फिर आपको ग्रीन कलर में जाना है, इसका ह्यू माइनस करना है एंड इसका ब्लू कलर में जाना है, इसका ह्यू आपको ब्लू कलर करना है, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे ह्यू को एंड सेचुरेशन प्लस। फिर इतना कर देना, आपको सिंपली डन कर देना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट आपको वो डाल देना है एंड इतना कर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में एंड यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे जो कलर नोड रिडक्शन है आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड गाइस मैं मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।